श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो आज कैसे हो बागेश्वर के पागलों? तो भाई स्वस्थ रहो और मस्त रहो। आज मैं आप लोगों के लिए ना इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया, एक रुपया भी खर्च नहीं होगा और ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ भाई। आज ना ये घर में, सबके घर में ये बर्तन हो, मैं अक्सर पूजा के लिए, तो भाई ये बर्तन बहुत ही काम आने वाले हैं। यो हम कंटिन्यू ना इन्हें मतलब रोज साफ करते हैं, वो भी पीताम्बरी थे, तो बिना पैसा खर्च करे ना आज हम पीतल के बर्तन, आज ऐसी रेमेडी देना, साफ करके दिखाऊंगे, सब हक्का कर रह जाओगे। ब्लॉग है पूरा, देखो जो हमने दिवाली पे दीपक जलाई ना, ये दीपक कद्दूकस कर लेंगे, ठीक है? यानी कि मैं पहले से करके रखी हूँ, ये मैंने चूर्ण बना लो यहाँ को दीपक को, ठीक है? एक नींबू, नींबू को रस या में एक चम्मच नमक मिला के रख ले। और अब हमारी ये है सड़ी सी, भूसी सी और बेकार सी पीतल की बोतल, जो दिवाली की सफाई में ये मुंह मिली, मगर ये मैंने रख ली, मैंने सोची ये मेरे बहुत काम आने वाली है, पीतल की है भाई, सॉरी पीतल की ना, तांबे की है ये। मैं भी भूल गई, मैं भी पागल हूँ, ये तांबे की बोतल है। तो देखो यार, शक्ल देख ली तुमने, कितनी भुंडी सी है रही है, सूगली सी है रही है। अब मैं एकदम तुम्हें चमका के दिखाऊंगी, ठीक है? तो बनी रही हो मेरे ब्लॉग में और देखते रही हो कि मैं चमकाऊंगी कैसे। दिखाऊंगी, मैंने आधे साफ करी है, क्योंकि तुम्हें फर्क भी तो दिखाना ना, पहले कैसी और अब कैसी है। एक मिनट, दोस्तों देखो ये मैं बोतलें साफ करके लेके आई हूँ, फर्क दिख रहा हो या ना दिख रहा? फर्क देखो, कितना बढ़िया रिजल्ट मिलो है, पहले कैसी ही, और देखो अब मैंने ये साफ करी है। बस सिर्फ याद है हमारी घर की रेमेडी थे, जो हमारे दिए खराब पड़े ना वाते, हम ऐसी बोतल साफ कर सकते हैं अपनी। और ये कितनी सूखली सी है रही है, कितनी गंदी है रही है, ये देखो मैंने कैसे चमका दी एकदम, तामो बना दो, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज आगे बहुत ज्यादा शेयर करेंगे वीडियो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर।